नमस्कार मित्रों, भारतीय संस्कृति पुनर्जागरण ट्रस्ट द्वारा संचालित महर्षि पतंजलि योग भवन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे आसनों के विषय में जो कि हमारा वजन कम करने के लिए लाभदायक है। शरीर का वजन जिन लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको बहुत ज़्यादा कठिन व्यायाम करने पड़ते हैं या बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है और बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, तब जा कर के उनका वज़न थोड़ा थोड़ा कम होना प्रारंभ होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप यदि इन आसनों का अभ्यास करते रहें तो आपका पेट और आपकी थाइस, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा वज़न जो रुकता है वो हमारे पेट और हमारे थाइस के आसपास ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए जो उपयोगी दो आसन हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। उनके नाम हैं पादव्रत आसन और द्विचक्रिक आसन, अर्थात साइकिलिंग। तो आज हम करेंगे द्विचक्रिक आसन और पादव्रत आसन। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले द्विचक्रिक आसन प्रारंभ करते हैं। द्विचक्रिक आसन, सीधे लेट जाते हैं, जैसे आप ठीक समझे। प्रारंभ में यदि आप हाथों को इस तरह से रखते हैं तो आपको करने में थोड़ी सी आसानी होती है और कमर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं जाता, तो आप उसको आसानी से कर पाते हैं। तो इस तरह से हाथों को रख करके बैक को बिल्कुल सीधा रखें और जिस तरह से साइकिल चलाते हैं ठीक उसी प्रकार आपको यह अभ्यास करना है। कैसे? एक पैर को मोड़ लेंगे, दूसरे पैर को भी ऊपर उठा लेंगे और जो मुड़ा हुआ पैर है वह तो उठा रहेगा ही, फिर जो पैर मुड़ा हुआ है उसको ऊपर ले जाते हुए धीरे धीरे सीधा कर देंगे और जो पैर सीधा था उसको मोड़ लेंगे। अब इस पैर को सीधा कर देंगे, दूसरे को मोड़ लेंगे, इस तरह से ठीक जैसे हम साइकिल चलाते हैं। और साइकिल भी आपको याद होगा, जब हम छोटे थे और जब हमने साइकिल चलानी सीखी तो हमारे पैर जो है पैडल तक नहीं पहुंच पाते थे, तो हम पैर को लंबा करके पैडल तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। उसी तरह से अभी भी आपको पैर को लंबा करके नीचे की तरफ खींच के लेके जाना है तो इसका आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। आप देख रहे हैं, पैर को जितना हम पीछे ले ला सकते हैं उतना पीछे लेके आएं और ऊपर की तरफ भी ले जाते हुए फिर नीचे भी लेके आएं। कभी कभी कुछ लोग साइकिलिंग का अभ्यास इस तरह से करते हैं, यह अभ्यास प्रॉपर नहीं है। इस तरह से जो अभ्यास हो रहा है इसमें केवल घुटने का संचालन हो रहा है, अर्थात इसमें केवल घुटने की एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन इसमें आपके घुटने, आपकी थाइस, आपकी बैक, पेट, पंजे सभी का बहुत अच्छा व्यायाम हो रहा है। पेट के ऊपर बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है जिससे पेट का वजन, पेट का एक्स्ट्रा फैट जो इकट्ठा हो गया है वो बर्न होता है। थाइस को पूरा प्रेशर आ रहा है, थाइस का पूरा संचालन हो रहा है जो कि शॉर्ट में नहीं होता। वो संचालन होने से थाइस का भी एक्स्ट्रा फैट कम हो जाता है, हिप जॉइंट्स भी धीरे धीरे फैट बर्न हो जाता है, हिप जॉइंट्स का भी। घुटने की एक्सरसाइज अभी भी हो रही है, टखने और पैर का भी संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। तो इस तरह से आप साइकिलिंग का अभ्यास कर सकते हैं। यह साइकिलिंग का प्रथम अभ्यास है। इसका द्वितीय अभ्यास किस तरह से करना है वह भी आप देखें। दोनों पैरों को बिल्कुल साथ साथ रखते हुए सीधा, अभी जैसे हम एक पैर को मोड़ते थे एक पैर को सीधा रखते थे, अभी दोनों पैरों को साथ साथ रखते हुए मोड़ना है। एक बार पहले जमीन से पैरों को उठाएंगे और धीरे धीरे मोड़ लेंगे, फिर जितना पीछे की तरफ आ सकते हैं उतना आएं और पैरों को ऊपर लेके जाएं और फिर सीधा करके नीचे तक लेके जाएं, अर्थात
टच नहीं करना, टच करने से थोड़ा पहले रुकें और फिर से मोड़ लें। फिर से ऊपर की तरफ, सीधा नीचे और फिर से मोड़ लें। नीचे टच नहीं करना, उससे थोड़ा पहले ही रुक जाना है। साइकिलिंग का जो द्वितीय अभ्यास है, इसको भी कुछ लोग शॉर्ट कर लेते हैं, आधा आधा ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें हिप जॉइंट्स का और घुटने का थोड़ा थोड़ा संचालन हो रहा है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन यदि आप संपूर्ण करते हैं, पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, तो आपके पेट, आपकी थाइज, घुटने, टखने, हिप जॉइंट्स, पेट, सब का बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है और आपको आपका एक्स्ट्रा फैट बर्न करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो इस तरह से आप द्विचक्रिकासन का अभ्यास कर सकते हैं। सामान्य रूप से इसका सबसे बड़ा जो लाभ है वह वजन को कम करना ही है, लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा, एक आयु के बाद में घुटनों में समस्या आने लगती है। तो घुटनों में कोई कभी भी कोई समस्या ना आए, उसके लिए यह काफ़ी उपयोगी आसन है। यदि आपको समस्या नहीं है तब तो आपको करना ही करना है, और यदि आपको घुटनों में कोई समस्या है और ऑपरेशन आपका नहीं हुआ है तो भी यह आसन आपको अवश्य करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए पादव्रतासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सीधा रखें, हाथों को अभी भी उसी अवस्था में रखने का प्रयास, बिल्कुल सीधे, और पहले एक एक पैर से पादव्रतासन का अभ्यास करते हैं। पादव्रतासन का अर्थ क्या है? पादव्रत अर्थात पैर से व्रत बनाने वाला, गोला बनाने वाला आसन। बड़ा सा गोला एक पैर को गोल घुमाते हुए बनाएं, इसीलिए इसको पादव्रत आसन कहा जाता है। तो एक पैर को थोड़ा सा ऊपर उठा करके बड़ा सा सर्कल बनाते हुए गोल घुमाएं। नीचे नीचे जितना लेके जा सकते हैं लेके जाएं, फिर ऊपर की तरफ थोड़ा खींच करके और विपरीत दिशा में भी उसी तरह से लेकर के, इस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरे पैर से भी एक डायरेक्शन में आपने इस पैर से किया है, उसी डायरेक्शन में आपको दूसरे पैर से भी करना है। फिर इस पैर से विपरीत डायरेक्शन में करेंगे तो दूसरे पैर से भी विपरीत डायरेक्शन में करेंगे। कई बार लोग इसको इस तरह से कर लेते हैं। फिर से ये शॉर्ट है, ये सिर्फ काम चलाने वाली बात हुई, पूर्ण पादव्रतासन नहीं हुआ। पूर्ण करने के लिए क्या करना है? बड़ा सर्कल बनाना है। आपके शरीर की सामर्थ्य के अनुसार जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल आपको बनाने का प्रयास करना है। इस तरह से एक एक पैर से करके फिर आप इसको दोनों पैरों से भी करें। यदि आप अभी बहुत ज़्यादा मोटे हैं या अभी शरीर का स्टेमिना, शरीर की सामर्थ्य उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको एक एक पैर से ही प्रारंभ करें। धीरे धीरे शरीर का सामर्थ्य बढ़ता जाएगा तो आपका अभ्यास भी और अच्छा होता जाएगा और आप दोनों पैरों से भी इसको कर पाएंगे। अब दोनों पैरों से कैसे करना है वो भी आप समझ लीजिए। दोनों पैरों को थोड़ा सा उठा लेंगे, जैसे एक पैर से बड़ा सर्कल बनाया था वैसे ही दोनों पैरों से भी बड़ा सर्कल बनाएंगे। जितना संभव हो सके अपने टांगों को सीधा रखें। जितना भी प्रयास आप कर सकते हैं, हो सकता है आपकी थोड़ी थोड़ी टांगें प्रारंभ में मुड़ें तो चिंता की बात नहीं है, वह गलत नहीं है, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन प्रयास करना है कि वह सीधी हो जाए। एक डायरेक्शन में करें, इसके बाद फिर विपरीत भी अवश्य करें। यदि इसी को शॉर्ट कर दिया जाए तो इसका प्रभाव ना तो पेट पे आएगा, ना ही थाइस पे उतना प्रभाव पड़ेगा और आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा।
तो इस प्रकार आप पूर्ण अभ्यास करेंगे तो ही इसका लाभ आप पूरी तरह से ले पाएंगे। इसमें आपको जो विशेष ध्यान रखना है वह दो चीज़ों पे है। एक तो हमारा सर्कल बड़ा होना चाहिए, चाहे आप द्विचक्रिकासन कर रहे हैं या आप पादव्रतासन कर रहे हैं, सर्कल बड़ा होना चाहिए। दूसरे, श्वासों के ऊपर आपका नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। कब श्वास लेना कब छोड़ना इसका भी आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो जब पेट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है उस समय आपका श्वास अंदर होना चाहिए। जैसे मैं यदि साइकिलिंग करूं तो दोनों पैरों को मैंने मोड़ा, ऊपर लेके गए, अभी श्वास ले लीजिए और फिर नीचे लेके जाइए। अर्थात जब मैं नीचे लेके जा रहा हूं तो श्वास पहले से लिया हुआ है। जब पेट के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है तब मैंने श्वास अंदर रोका हुआ है। छोड़ना कब है? अभी पेट के ऊपर प्रेशर कम हो गया तो छोड़ देना है। इसी तरह से विपरीत करेंगे तो भी अर्थात जब आप शरीर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब उस समय आपका श्वास अंदर होना चाहिए। अर्थात आपको लेना नहीं है उस समय, ऐसे नहीं, प्रेशर के समय श्वास लेना नहीं है, प्रेशर के समय श्वास अंदर होना चाहिए। अर्थात प्रेशर बनते बनते ही हमें श्वास ले लेना है। इस तरह से, इसी तरह से पादव्रतासन में भी सामान्य रूप से जब हम पैरों को उठा रहे हैं तो पहले श्वास लेंगे तभी पैरों को उठाएं। अब गोल घुमाते हुए जब तक पैर नीचे हैं तब तक हमारे पेट के ऊपर प्रेशर अच्छा है, जैसे ही पैर पीछे की तरफ आएंगे श्वास बाहर छोड़ देंगे क्योंकि पेट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अब साइड में ले जाते हुए पेट के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू होता है तो श्वास हम ले लेते हैं। इसी तरह से विपरीत, तो इस तरह से आप पादव्रतासन और द्विचक्रिकासन का अभ्यास कर सकते हैं। इसकी संख्या प्रारंभ में कितनी रखनी है? साइकिलिंग यदि आप दोनों पैरों से अलग अलग कर रहे हैं इस तरह से, तो इसको अपनी सामर्थ्य अनुसार 50-60, क्योंकि ये बहुत आसानी से होने वाला व्यायाम है, तो इसको आप 100 तक, 150-200 जितना आप कर सकते हैं। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो 1 किलोमीटर अगर हम चला रहे हैं तो सैकड़ों बार हम ये कर लेते हैं, तो यहाँ भी आप 100-150-200 जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। प्रारंभ में आपको 15-20 से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे आप इसको बहुत बढ़ा सकते हैं, 500 तक भी कर सकते हैं। यदि आप 500 तक करते हैं तो बहुत तेज़ी से आपके शरीर के ऊपर प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। इसी तरह से दोनों पैरों से भी, इसका भी आप प्रारंभ में 10-15 से लेकर के और फिर बढ़ाते बढ़ाते 100-150-200 तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप इतना अभ्यास 100 या उससे ज़्यादा अभ्यास कर पाते हैं तो काफ़ी जल्दी आपको उसका प्रभाव दिखने लगता है, आपके पेट की शेप चेंज होनी शुरू हो जाती है, पेट जो निकला हुआ है उसके ऊपर आपको अंदर जाता हुआ वह महसूस कर सकते हैं आप। तो इस तरह से द्विचक्रिकासन का भी वही प्रभाव है और जो पादव्रतासन आप करते हैं उसका भी वही प्रभाव है। यदि आप इसको अधिक करेंगे तो ज़्यादा लाभ लेंगे, लेकिन प्रारंभ में 10-10 करें, फिर 15, फिर 20, फिर दोनों पैरों से 10, एक एक पैर से 20, फिर एक एक पैर से 40, दोनों पैरों से 20, इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से पादव्रत आसन और द्विचक्रिकासन आपके लिए बहुत सहायक होंगे। तो इस तरह से
हमने द्विचक्रिक आसन और पादव्रत आसन के अभ्यास के बारे में जाना। हमें सावधानियां इसमें क्या क्या रखनी है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले, जैसा कि योग में सामान्य नियम है कि हमारा भोजन जो है या तो हमने नहीं किया हुआ है, अर्थात हम प्रातःकाल योगाभ्यास कर रहे हैं तो उस समय हमने भोजन नहीं किया होता है, तो खाली पेट हम हैं तो सबसे अच्छी स्थिति है वो। लेकिन यदि हमने कुछ खाया हुआ है, हमने मान लीजिए नाश्ता किया हुआ है, तो नाश्ते के 4 घंटे के बाद ही हमने योगाभ्यास करना चाहिए। वही नियम यहाँ भी लागू होता है। पेट के ऊपर बहुत अधिक प्रेशर आता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित कर सकता है यदि हमने भोजन किया हुआ है तो इसलिए हमें कभी भी भोजन करने के 4 से 5 घंटे का अंतर रखते हुए ही हमें ये आसनों का अभ्यास करना चाहिए। जिन्होंने सामान्य स्थिति है जिनकी, वो इस अभ्यास को जल्दी जल्दी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का बड़ा ऑपरेशन कहीं पेट का हुआ है, या वो सिजेरियन की वजह से हो, या फिर किसी तरह का हार्निया का या पथरी का या किसी और तरह का ऑपरेशन आपका हुआ है, तब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 6 महीने का वक्त बीत गया है, अर्थात ऑपरेशन को 6 महीने बीत चुके हैं, उसके बाद ही आपको इस तरह का अभ्यास शुरू करना चाहिए, और वह भी प्रारंभ में 5 या 10, उससे ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे शरीर उसको ग्रहण करता जाएगा और उस अभ्यास को आप बढ़ाते जाएंगे। जिनको बहुत ज़्यादा बैक पेन की स्थिति है, उन लोगों को ये दोनों ही अभ्यास नहीं करने चाहिए, अर्थात लोअर बैक में जिनको पेन ज़्यादा रहता है या किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को ये अभ्यास वर्जित हैं, उनको ये अभ्यास नहीं करने चाहिए। तो इस तरह से आप कुछ सावधानियाँ रखेंगे और निरंतर योग का अभ्यास करेंगे तो आप अवश्य ही अपना वजन भी कम कर पाएंगे, और आपका वजन यदि बढ़ा हुआ नहीं है तो उसको आप मेंटेन रख पाएंगे। आपके स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए, आप हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी कामना के साथ आज के वीडियो में इतना ही। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ओम।